नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विद आलोक में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। एक बार मैं फिर से आपके सामने जो चैप्टर पढ़ा रहा था उसी के अगले क्रम का चैप्टर लेके हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आपको सिलेबस हमने पहले ही क्लास में डिस्कस कर दिया था, तो आपके सिलेबस में जो पहला चैप्टर ऐतिहासिक स्रोतों के बाद है वो है पाषाण काल संस्कृति। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी संस्था के द्वारा इस बैच का उद्घाटन हो चुका है, जो कि एक निश्चय बैच है, और हमारे जो डिस्क्रिप्शन में क्या है कि टेलीग्राम का लिंक है जो कि बिल्कुल फ्री है। आप हमसे जुड़ना चाहें तो भी उसे ज्वाइन कर लें, नहीं जुड़ना चाहें तो भी ज्वाइन कर लें, ज्ञान हर जगह मिलता है, कहीं ना कहीं से लेते रहिए। बाकी आप हमारे बैच से जुड़ने के लिए, सफलता पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि सभी सर लोग बताते हैं वही है, एंट्री जूनियर लिखना है और 8382966779 पे आपको बस व्हाट्सअप कर देना है और फिर आपको हमारे बैच से जोड़ लिया जाएगा। खैर, बड़ा अजीब सा लगता है ना सुनने में कि पाषाण काल संस्कृति, संस्कृति इनकी थी क्या? अगर एक लाइन में कह दिया जाए कि अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक लाइन में कह दिया जाए कि इस समय निग्रेटो थे, ठीक है, इसके बाद होमोसिपियंस का उदय बाद में हुआ, ये आकेठक जीवन व्यतीत करते थे, कहने का मतलब कि एक जगह इनका स्थायी निवास नहीं था, ये जगह जगह घूमते रहते थे, इसीलिए कहीं से मानव के साक्ष्य नहीं मिले और ये मांस और कंद फूल पर डिपेंड थे, बस खत्म, ये इनकी संस्कृति है। यही मुद्दा होता है कि कभी कभार सिलेबस में चीजें लिख दी जाती हैं लेकिन उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो दूसरे हिसाब से देना पड़ता है। और मैं आपसे ये अभी नहीं, हमेशा ये कहूंगा कि आप अपनी मेंटेलिटी को थोड़ा सा बदल लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको क्लास 6 to 8 को पढ़ाना है, जहां से पढ़ाई की शुरुआत होती है, पहली बार एग्जाम है, ये डर मत अपने अंदर बैठा लीजिएगा कि अरे बहुत बड़ा बड़ा पूछा जाएगा। नहीं, ऐसा होता तो इसको भी टीजीटी पीएचडी के अंदर ही इंक्लूड कर देते, इसीलिए वो अलग है ये अलग है। आपको एकदम बहुत ही ऐसे लेवल पे, अगर कहा जाए एक भाषा में कि पीसीएस लोअर लेवल तक के आपको सवाल आएंगे, ये आप देख लीजिएगा। खैर, यहां आते हैं, बात क्या है कि पाषाण काल है क्या? सभी लोग जानते होंगे कि पत्थरों के काल को हमने पाषाण काल कहा, वेरी गुड, इतना कह दिया जाए, पत्थरों के काल को पाषाण काल कहा गया, लेकिन ये पत्थरों का काल सामने आया कैसे हमारे सामने? देखिए, जैसे मान लीजिए एक बात है, हरिद्वार जाते हैं हम लोग नहाने, हरिद्वार, जब हरिद्वार में हम डुबकी लेते हैं तो नीचे पत्थर निकलता है, पत्थर, छोटे छोटे बच्चे थे जब हम लोग गए थे हरिद्वार, जब मैं छोटा था तो वहां से पत्थर निकला और हमने कहा शंकर भगवान है, ये शंकर भगवान है, पत्थर, गांव में भी लोग पहले वो गोला गोला पत्थर रखते थे, उस पर जल छोड़ते थे, शंकर भगवान। वो शंकर भगवान जो पत्थर, जिसको हम शंकर भगवान मानते हैं, वो पत्थर कोई शंकर भगवान ने नहीं काटा है, क्योंकि वो पत्थर हमें कहां मिल रहा है? नदी में मिल रहा है, भाई नदी में नहाए हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि नदियों के बहाव से जब पत्थर में घर्षण होता है, घिसते हैं, तो वो अलग अलग शेप और साइज ले लेते हैं, अलग अलग शेप और साइज। इसलिए लोग कहते हैं ना कि बनना है तो नदी बनिए, अपने सामने वाली आने वाली बाधाओं को चीरते हुए निकलिए। तो कहने का मतलब क्या है कि नदी के बहाव की वजह से जब पत्थर वो घिस जाते थे तो वो अलग शेप और साइज लेते थे। अगर वो पत्थर उस नदी में है तो वहां पर वो पत्थर है, लेकिन जब उस पत्थर को निकालकर हम किसी मंदिर के स्थान पर रख दे तो वो शंकर भगवान हो जाते थे। डिफरेंस समझिए, पाषाण काल की बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। उसी प्रकार क्या है कि जैसे आप कभी समुद्र चले जाइए, समुद्र में पास नहाने, समुद्र में नहाएंगे तो वहां के पत्थर बहुत नुकीले टाइप के होते हैं, अगर हल्का सा पैर छुआ आपका, पैर टच हुआ तो पैर आपका फट जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। इसीलिए क्यों? क्योंकि समुद्र की लहरें जो आती हैं और जो जाती हैं, और जब वो पत्थर पे टकराती हैं इस हिसाब से, तो पत्थर में घर्षण होता है और पत्थर नुकीला होता चला जाता है। तो हम कहते हैं जूहू बीच में पत्थर पे फोटो खिंचा रहा है। मुद्दा यह है कि ये नदी के जल के बहाव की वजह से, ये पत्थरों के घर्षण के कारण, ये पत्थर कभी नुकीले हो जाते थे, कभी ये कुल्हाड़ी का शेप ले लेते थे, कभी ये भाले का शेप ले लेते थे, कभी ये चक्कू का शेप ले लेते थे। तो जब ये सभी का शेप वो लेते थे तो अगर वो नदी में रहते तो पत्थर रहते, लेकिन जब मनुष्य उसको निकालकर प्रयोग करने लगा
उन पत्थरों के इस्तेमाल, उन पत्थरों का इस्तेमाल करने लगा। जैसे हम उस पत्थर को जब नदी से उठा के लाते हैं तो शंकर भगवान हो जाते हैं, तो उसी प्रकार जब मनुष्य उन पत्थरों को उठाकर प्रयोग करने लगा और धीरे धीरे उसका प्रयोग वो शिकार में करने लगा, घास छीलने में करने लगा, खोदने में करने लगा, हत्या करने में करने लगा, तो इसीलिए उस पत्थर का प्रयोग किया गया और इसीलिए उसको हमने क्या कहा, पाषाण काल कहा। समझ में आया कि पत्थर कहां से आते थे? तो इसीलिए जो हम आज के चैप्टर की हमारी शुरुआत है, हमारे क्या, हमारे और आपके सिलेबस की जो शुरुआत है वो क्या है, पाषाण काल। क्योंकि मनुष्य ही है जो हर चीज का इस्तेमाल कर सकता है और मनुष्य ही है जो हर चीज को बर्बाद भी कर सकता है। तो यहां समझिए, एक कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा। तो जो हमारा चैप्टर है वो क्या है, वो है पाषाण काल। पाषाण काल को अलग अलग भागों में बांटा गया। जब लोग आखेटक जीवन व्यतीत करते थे तो उनको पूरा पाषाण काल में रखा गया। जब मनुष्य पशुपालन वगैरह करने लगे तो मध्य पाषाण में रखा गया। जब मनुष्य पर्टिकुलर आग का प्रयोग जान गए और स्थायी निवास करने लगे तो उसको नवपाषाण कहा गया। तो पाषाण डेट के चक्कर में अभी मत पड़िएगा, डेट हम सब बताएंगे, समझिए। पाषाण काल को तीन भागों में हमने बांटा, ठीक। पहला है पुरापाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण और तीसरा है नवपाषाण। यही नहीं, पुरापाषाण को भी हम तीन भागों में बांटते हैं, इसको भी हम तीन भागों में बांटे। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, होमो सेपियंस का जो उदय हुआ वो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। समझिए बात को, इसके पहले निग्रेटो लोग जो थे वो जाति थी। अभी पूरा इमेज के साथ आपको दिखाते हैं। तो पुरापाषाण जो है इसमें पहला है निम्न पुरापाषाण, दूसरा है मध्य पुरापाषाण, तीसरा है उच्च पुरापाषाण। ये तीन भागों में हमने किसको बांटा, पुरापाषाण काल को। अब इन तीनों का हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। संस्कृति जो है, संस्कृति तो देखी जाए तो एक लाइन में खत्म है, लेकिन नहीं, इन तीनों का डिस्कशन करेंगे। इन तीनों के महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में डिस्कस करते हैं, कहां से क्या पाई गई। बहुत रोमांचक बातें आज होंगी और बहुत मजा आएगा, आज दूसरी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए हुआ क्या कि एक जन थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। इनको क्या हुआ कि 1863 में पल्लवरम नामक स्थान से एक हैंड एक्स मिला। हैंड एक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। अब हाथ की कुल्हाड़ी मिली तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर लोहे की कुल्हाड़ी थी, लोहे की कुल्हाड़ी थी। नहीं, पत्थर की थी। कैसे? यहां देखिए, आपको दिखाते हैं। यहां देखिए, यहां अगर तो तुम देखिए, ये सब पत्थर हैं, पूरा पाषाण कालीन पत्थर हैं ये सब। ये सब देखिए केवल जल के बहाव से रगड़ के कारण क्या है, अलग अलग हो गए। अब जैसे ये है, ये इसको हाथ में से पकड़ रहे, ऐसे ऐसे कुल्हाड़ी हो गया ना किसी चीज को। आज की तरह कुल्हाड़ी नहीं, आज तरह कुल्हाड़ी नहीं। जैसे एक बता, थॉर मूवी देखे होंगे, थॉर उसमें देखे होंगे, उसका वो थॉर वाले का ऐसे रहता, नया वाला जो औजार आया ऐसे बांधा हुआ। तो ये पत्थर भी क्या होते थे, इसी शेप के रहते थे और इसमें कुछ बांध देते थे तो वो हाथ की कुल्हाड़ी की तरह जाते। ये पत्थर अगर पानी में रहता तो पत्थर रहता, लेकिन मनुष्य इसका प्रयोग कुल्हाड़ी के रूप में किया, तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, हैंड एक्स दिया गया। तो निम्न पुरापाषाण काल में क्या हुआ कि दो संस्कृति पाई गई, चापर चापिंग संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति। चापर चापिंग संस्कृति कहने का मतलब जब एक साइड नुकीला हुआ तो चापर, दोनों साइड हो गया तो चापिंग। देखिए जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये है, एक साइड नुकीला है, एक साइड तो चापर। अब जैसे इसको देख लीजिए, ये दोनों साइड नुकीला है, दोनों साइड तो चापिंग। तो क्या हुआ, यहां आते हैं,
तो निम्न पूरा पाषाण का, मैं फिर से कह रहा हूं, लेवल को हमें अपने उतने ही रखना जिससे हमें सफलता मिले। तो निम्न पूरा पाषाण काल में क्या हुआ कि जो चापड़ चापड़ संस्कृति थी वो सोहन नदी घाटी के किनारे पाई गई। चूंकि वो सोहन नदी घाटी के किनारे पाई गई इसीलिए चापर चापिंग संस्कृति को हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आपको सवाल बनेगा तो ऐसे ही बनेगा कि हम सोहन संस्कृति के नाम से निम्न किस संस्कृति को जानते हैं, तो वो कौन सा है? चापर चापिंग संस्कृति। तो आज पहला डिस्कशन हम किस पे कर रहे हैं? निम्न पूरा पाषाण काल। देखिए पहला है चापर चापिंग संस्कृति। ऐसे नहीं, हम ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग तरीके से। इसका दो ठो है, ठीक है, चापर चापिंग संस्कृति। और दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। अब देखिए हमने क्या कहा कि जो चापर चापिंग संस्कृति है ये सोहन नदी घाटी के किनारे पाई गई, जिसके कारण इसको हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। आइए तो हमने क्या कहा, यहां देखिए, यह संस्कृति सोहन नदी घाटी के किनारे पाई गई, सोहन नदी घाटी के किनारे पाई गई, इसीलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहते हैं, सोहन संस्कृति भी कहते हैं। देखिए समय कम है, सफलता ज्यादा है। अगर आप इसको सोचें कि टीएसटी पीएचटी, तो आपको बता दें टीएसटी पीएचटी का सिलेबस 180-200 लेक्चर का टाइम दिया है, जीआईसी के लिए 100 लेक्चर से ज्यादा का टाइम दिया है, लेकिन आपके लिए 45 लेक्चर दिया है। तो कुछ समय से भी दिमाग लगा के सोच लीजिए कि कितने लेवल तक आएगा। यह हो गया इसका पार्ट इतना। हैंड एक्स संस्कृति क्या है कि मद्रास के बदमदुरई से और अतिरपक्कम से भारी मात्रा में हैंड एक्स मिले, हस्त कुठार वही पत्थर वाला जो भी इमेज में दिखाया, तो इसीलिए इसको मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। उसके साथ साथ 1863 में सबसे पहले जो हैंड एक्स मिला था वो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को अतिरपक्कम नामक स्थान से मिला था। तो हैंड एक्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सर्वप्रथम, अब नोट्स भी साथ साथ बनाते चलिए, सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को अतिरपक्कम स्थान से हैंड एक्स मिला था। ठीक, तो सबसे पहला हैंड एक्स कहां से पाया गया? अतिरपक्कम नामक स्थान से। लेकिन उसके साथ साथ मैंने क्या कहा कि इसी का ये पहला पॉइंट है और यहीं पे दूसरा पॉइंट लिख दे रहा हूं, इसी का दूसरा पॉइंट है मद्रास के बादमदुरई, बहुत भयानक भयानक नाम है, और पल्लवरम से भारी मात्रा में हैंड एक्स पाया गया, इसीलिए इसे
हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं, इसीलिए इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। क्लियर? इतना लिखिए, फिर एक बार बताते हैं, फट से लिखिए। किसी समय क्या हुआ था, निम्न पुरापाषाण काल में ही क्या हुआ था कि 1982 में एक थे अरुण सोनकिया, इनको मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में, होशंगाबाद के हथनौरा मान लेते हैं, हथनौरा से मतलब मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, वहां के हथनौरा से इन्हें मानव की खोपड़ी मिली, जो कि भारत में प्राचीनतम मानव का जीवाश्म है या प्राचीनतम मानव का साक्ष्य है। लेकिन आप अभी कहेंगे, सर अभी आप थोड़ी देर पहले तो कहे होमो सेपियंस का उदय उच्च पुरापाषाण काल में। हाँ, वो जो मिला मानव नहीं था, बड़मानुष था, ऐसे था, जैसे लोग आजकल सेल्फी लेते ना करके, वैसे बड़मानुष टाइप का था, प्योर मानव नहीं था, निग्रेटो था। नहीं समझ में आया? यहां देखिए कहां गया, ये देखिए, ये इस टाइप का था, यही था, यही वो आदमखोर था जो अरुण सोनकिया को मिला, लेकिन मरा हुआ मिला। ये हमारे जैसे नॉर्मल मनुष्य का स्केलेटन नहीं है या मनुष्य का कपाल नहीं है, हमारे जैसे हो सकता है मेरा हो, खोपड़ी बड़ी है थोड़ी, लेकिन ऐसा मिला था। तो ये क्या है, ये जो मिला, ये कहां मिला, यहां समझिए, वे 1982 में, 1982 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के हथनौरा नामक स्थान से अरुण सोनकिया को सर्वप्रथम मानव की खोपड़ी मिली जो भारत में प्राप्त प्राचीनतम मानव का अवशेष है। ठीक, तो यही मिला था। तो ये प्राचीनतम प्राप्त क्या है, मानव, और हो सकता है कभी कभार ये ना देकर एक और दे देता है, ये जो होशंगाबाद है ये नर्मदा नदी के किनारे है, तो नर्मदा घाटी, कभी आपको दे देगा कि प्राचीनतम मानव के जीवाश्म या कपाल के साक्ष कहां से मिले, तो नर्मदा घाटी रहेगा तो भी आप आंसर कर लीजिएगा, नहीं तो हथनौरा रहेगा तो भी रहेगा। अभी बताएंगे हथनौरा के बारे में, बताएंगे कि सबसे पहले हाथी में, खैर उसको आगे डिस्कस। तो ये क्या है, ये कब का है, ये जो मिला है, ये जो मिला है सेल्फी वाला आदमी, ये सेल्फी वाला आदमी जो है ये कब का है, ये है निम्न पुरापाषाण काल का। कब का है, निम्न पुरापाषाण काल का। हम जानते हैं ऐसे हंस हंस के क्यों पढ़ा रहे आपको, क्योंकि जब आप छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे क्लास सिक्स टू एट, ऐसे हंस हंस के ही पढ़ाना पड़ेगा, वहां पे प्रोफेसरों की तरह नहीं, आओ आज पाषाण काल पढ़ते हैं, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, बच्चे को समझाना पड़ेगा। तो यह था निम्न पुरापाषाण काल। चलिए इसको लिखिए, इसको खोपड़ी लिखेंगे कहां से, ये वाला लिखिए, इधर वाला लिखिए। चलिए अब आते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। ठीक, मध्य पुरापाषाण काल में क्या हुआ कि इस समय फलकों की जो मात्रा थी वो बढ़ गई। वो गाना नहीं, फलक तक चल साथ मेरे, वो फलक माने यहां पत्थर है, पत्थर को साथ लेके कहां जाएंगे। बात क्या है कि निम्न पुरापाषाण काल में क्वार्टाइज पत्थरों का इस्तेमाल होता था, ये आपको बताएंगे साइंस वाले सर तमाम पत्थरों के बारे में, नहीं तो रोड पे वो नवरत्न वाले लगाते हैं ना अंगूठी वाले, उनसे पूछ लीजिएगा। तो क्या हुआ, क्वार्टाइज पत्थरों का इस्तेमाल होता था, लेकिन मध्य पुरापाषाण काल में क्या हुआ कि क्वार्टाइज पत्थरों को हटा दिया गया, उसकी जगह पर फ्लिंट, जैस्पर, चिट, इन पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा।
लेकिन एक थे हसमुख संकालिया जी, नाम बड़ा अच्छा है उनका, हसमुख संकालिया जी ने क्या कहा कि मध्यपुरा पाषाण काल में फलकों की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने इसको फलक संस्कृति कहा। अब आप कहेंगे सर फलक फलक मत करिए, फलक होता क्या है? कुछ नहीं होता है। अब जैसे इतना बड़ा पत्थर मैं नदी से उठा के लेके आया, नदी से उठाकर इतना बड़ा पत्थर लेके आया, उसके बाद उसको मैंने तोड़ तोड़ के अपनी फोटो बना ली, फोटो, तो वो क्या हो गया? स्टैच्यू, समझिएगा, वो क्या हो गया? स्टैच्यू किसकी? मेरी, समझना बात को। अब उसी तरह मैं एक पत्थर लेकर आया, उसको तोड़ तोड़ के नुकीला बना दिया, नुकीला, तो क्या बन गया? औजार। तो मतलब क्या कि फलक होता है कि जब पत्थरों को तोड़कर स्वयं औजार बनाया जाता है। जैसे यहां देखिए, आप समझ जाएंगे, यहां पे थोड़ा सा देखिए, यहां पर देखिए, बात क्या है कि यहां पर देखिए कि ये जैसे पत्थर को देखिए तोड़कर बनाया गया है, ठीक है, पत्थर को तोड़कर जब औजार बनाते हैं हम, जैसे ये देखिए पत्थर को जब हम तोड़कर औजार, ये देखिए तोड़के जब हम पत्थरों को तोड़कर जब हम औजार बनाते हैं तो उसे फलक कहा जाता है। वो फलक चल साथ वाला नहीं, तो उसे फलक कहा जाता है। तो इसीलिए मध्यपुरा पाषाण काल में फलकों की अधिकता थी, इसीलिए इसको हम फलक संस्कृति के नाम से जाने। तो इसमें एक लाइन खटाखट लिख लेते हैं, तो जो अगला है वो है मध्यपुरा पाषाण, ठीक, यह समझिए। इसमें मैंने क्या बताया, इस समय जैस्पर चर्ट और फ्लिट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, और फ्लिट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, दूसरा इस समय फलकों की अधिकता के कारण हसमुख संकालिया ने, कालिया नहीं संकालिया, हसमुख संकालिया ने इसे फलक संस्कृति नाम दिया, इसे फलक संस्कृति नाम दिया। और ये जो है ना मध्यपुरा पाषाण काल, ये कहां कहां से पाया गया पता है? सोहन घाटी, ठीक है, पहला, दूसरा, उतना डीप नहीं जाना है, जहां जाना मैं बता दूंगा आपको, बेलन घाटी, ठीक है, तीसरा नर्मदा घाटी, और एक और स्थान से मिला है वो है तुंगभद्रा घाटी, ठीक। बस ये आपको पूछेगा कि फलक संस्कृति के नाम से हम किसे जानते हैं, तो मध्यपुरा पाषाण काल, इसको लिखिए। इसके बाद जो आता है वो है उच्चपुरा पाषाण काल में आदमी और डेवलप होने लगा धीरे धीरे। भाई देखिए, जैसे पहले 1G था, जी माने जनरेशन होता है, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, तो उसी हिसाब से मनुष्य धीरे, पहले मनुष्य जो नदी में पत्थर था उसका प्रयोग करता था, उसके बाद मनुष्य पत्थर निकालकर तोड़कर औजार बनने लगा। अब उसके बाद उच्चपुरा पाषाण काल में क्या हुआ, मनुष्य ब्लेड का इस्तेमाल करने लगा, ब्लेड वो शेविंग वाली ब्लेड नहीं, पत्थर का ही ब्लेड, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए, आपको ब्लेड दिखा देते हैं, आपको एक ठो है बहुत बढ़िया, ये देखिए, ये जो छोटे छोटे हैं, ये जो ये ब्लेड है, ब्लेड पत्थर के ही है, ब्लेड में दो तरफ धार होता है ब्लेड में, ठीक है, चापिंग अलग है, चापर चापिंग से मतलब ब्लेड अलग है। तो इस समय क्या हुआ कि लोग क्या हुआ कि ब्लेड का औजार बनने लगे, मतलब ब्लेड औजार बनने लगे। और इस समय सबसे बड़ी खास बात क्या हुई थी कि चकमक उद्योग की स्थापना हुई,
ठीक है। और उसके साथ साथ सबसे पहले होमोसिपियंस का जो उदय है वो उच्च पुरापाषाण काल में माना जाता है, मतलब हम और आपका उदय कब हुआ, उच्च पुरापाषाण काल में। तो अगला जो पुरापाषाण काल का हिस्सा है वो क्या है, उच्च पुरापाषाण काल। इस समय पत्थर के ब्लेड बनाए जाने लगे थे, जाने लगे थे, ठीक। इस समय दो घटना हुई, दुर्घटना नहीं घटना, पहला चकमक उद्योग की स्थापना, और दूसरा होमोसिपियंस का उदय, होमोसिपियंस का उदय। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि होमोसिपियंस का उदय कब से माना जाता है, तो होमोसिपियंस का उदय उच्च पुरापाषाण काल से माना जाता है। चलिए इसको लिखिए फट से। चलिए अब हम बात करें, तो बात करें किसकी, संस्कृति की, जो सिलेबस है, महत्वपूर्ण स्थल बता रहे। इस समय के लोगों को निग्रेटो कहा गया, पहली चीज। इस समय के जो लोग थे वो क्या थे, वो आखेटक जीवन व्यतीत करते थे भाई, वो शिकारी प्रवृत्ति के थे, तो जहां शिकार मिलेगा वहां रहेंगे, नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। इसीलिए कहीं पर इनके स्थायी निवास के साक्ष्य नहीं मिले, इसीलिए इनका कहीं पर कोई जीवाश्म नहीं पाया गया है। उसके साथ साथ ये शिकार और कंदमूल फलों पर डिपेंड रहते थे, ये इनकी संस्कृति थी। लेकिन उच्च पुरापाषाण काल आते आते इनके अंदर एक चीज और डेवलप हुआ। यही आपके लोहदा नाला से उत्तर प्रदेश के एक हड्डी की निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है, हड्डी से बनी हुई, जो कि सबसे प्राचीनतम मातृ देवी मूर्ति का साक्ष्य है। तो मूर्ति मिलने का मतलब क्या हुआ ये बताइए। मूर्ति मिलने का मतलब हुआ कि मनुष्य में अब धीरे धीरे भय व्याप्त होने लगा है। भय माने डर। अरे भगवान के पास हम कब जाते हैं, कब? भगवान हमको जूनियर में करवा दीजिए, भगवान हम गरीबों खाना खिलाएंगे, भगवान हमको रात में डर लगता है, चुड़ैल लटकती है, भगवान कब? जब हमारे अंदर भय होता है तब हम भगवान के पास जाते हैं, ठीक। तो ये जो मातृ देवी की मूर्ति मिली, इससे ये निष्कर्ष निकलने लगा कि धीरे धीरे लोगों में अब भय व्याप्त होने लगा, धीरे धीरे लोग डरने लगे, धीरे धीरे लोग प्रकृति में घुलने मिलने लगे, इसीलिए अब धीरे धीरे लोग अपना एक निवास स्थल बनाएंगे। यही रीजन है कि लोग फिर गुफाओं में रहने लगे, और फिर आगे चलकर मध्य पाषाण काल में लोग पशुपालन भी करने लगेंगे। तो लोहदा लाला से जो मातृ देवी की मूर्ति मिली, वही जो सबसे पुरानी हड्डी की निर्मित मूर्ति है, वहीं से यह निष्कर्ष निकला कि अब लोगों में क्या व्याप्त होने लगा, भय व्याप्त होने लगा। तो हमने जो दो बातें आपसे कही, वो पहली ये है, इस समय निग्रिटो पाए गए, फिर होमोसिपियंस का उदय तो उच्च पुरापाषाण काल में हो रहा है। दूसरी चीज, इस समय के लोग, पुरापाषाण काल की बात कर रहा हूं, इस समय के लोग आखेटक जीवन व्यतीत करते थे, मतलब शिकार के रूप में आखेटक जीवन व्यतीत करते थे, और कंदमूल फल पर निर्भर थे। कंदमूल फल पर निर्भर थे। उसके साथ साथ इनका कोई स्थायी निवास नहीं था, इनका कोई स्थायी निवास नहीं था।
इसका एक और भी कारण हो सकता है कि इस समय पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, तो कहां एक जगह रहेंगे बेचारे। ये लिखिए, फिर महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बताते हैं। चलिए, अब इसके जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो इस प्रकार हैं, ठीक। जैसे है पहलगांव, पहलगांव ये लिद्दर नदी के यहां पर हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। आपके पास समय कम है, चीजें भी थोड़ी सी ज्यादा पढ़नी है, पीसीएस लोअर की भी तैयारी 45 दिन में नहीं हो पाती है, सो बात फैक्ट है। तो यहां से देखिए, यहां से सवाल कैसे बनेगा, जैसे बदामुदरई से मिला, अतिरपक्कम से मिला, पल्लवरम से मिला, तो पूछ सकता है कि निम्न मध्य कश्मीर के किस क्षेत्र से निम्न पुरापाषाणकालीन हाथ की कुल्हाड़ी पाई गई या पुरापाषाणकालीन औजार पाए गए, तो कहां से, पहलगांव से। हम हटे हुए, आप लोग टिक करना चाहें, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है, सिर्फ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थल लिए हैं, वैसे लेने को तो सैकड़ों हैं, ठीक है। पोतवार है, जहां पर हस्त कुठार व काटने के औजार मिले हैं, ठीक है। हथनौरा है मध्य प्रदेश में, जहां पर मानव की खोपड़ी का प्रथम प्रमाण मिला। इसके साथ साथ हथनौरा से ही प्राचीनतम, सुनिएगा, प्राचीनतम हाथी का जीवाश्म पाया गया है, पाया गया है। प्राचीनतम हाथी का जीवाश्म भी जो पाया गया है, हथनौरा से पाया गया। भाई देखिए, लकड़ी से तो हम जानवरों को मारेंगे नहीं, बड़े बड़े औजारों से हम उसको मारेंगे। उस समय हाथी नहीं होता था, हाथी के पापा होते थे, मैमूथ, लंबा वाला, आप देखे होंगे वो आइस एज मूवी में, ठीक है। चलिए इसको लिखिए, आइए, अगला महत्वपूर्ण स्थल है भीमबेटका। यह खास बात है इसकी, भीमबेटका की, यहां से ही मानव के सर्वप्रथम चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। मानव के सर्वप्रथम चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। यहां पर ये भोपाल उपाल से दूर हटा, ये सबसे पुराना शैलाश्रय निवास, देखिए गुफा, भाई मन जैसे पेड़ में देखिए खोड़र हो जाता है, खोड़र पेड़ में होल हो जाता है, उसमें चिड़िया रहने लगती है, गिलहरी लगने लगती है, सांप रहने लगता है, बिचकोपड़ा रहने लगता है, क्यों, अपने आप को बचाने के लिए। तो मनुष्य ऐसे टहलते टहलते गया पहाड़ पर, उसको छोटा सा गुफा दिखा, उसके अंदर जब गया, बहुत तेज बारिश हो रही थी, इमेजिन करिए, ठंड से कांप रहा था, उसको पहाड़ में गुफा दिखा, उसके अंदर गया तो उसको लगा, ओह ये अच्छी जगह है, यहां पर बारिश नहीं आती, अच्छा गुफा छोटा है, इसमें शेर भी नहीं घुस सकता है, बाघ भी नहीं आ सकते, मतलब मैं यहां रह सकता हूं। तो मनुष्य सबसे पहले जो अपने रहने का स्थान बनाया वो गुफे को बनाया, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप में था, उसको बनाना नहीं था, बस उसे वहां रहना था, जैसे आजकल फ्लैट आता है रेडी टू मूव, वैसे था कि उसको बस वहां क्या था, जाकर रहना था। अब नहीं समझ में आया, ये जो चित्रकारी की बात है, जैसे देखिए हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे बच्चे रहते थे तो पेंसिल से दीवार में लिखते थे, एक गेम खेलते थे ऐसे लाइन वाला, जाकर लाइन खोजो किसकी कितनी लाइन है, खुश खेलते होंगे आप लोग भी, हम तो खेले हुए। तो जब हम लोग बचपन में दीवार में से कलाकारी करते थे तो मम्मी कहती थी कितना अच्छा चित्र है, पापा कहते थे पेंट खराब कर दिए। तो इनके भी बच्चे रहे होंगे, ये भी रहे होंगे, तो जब ये गुफा में रहने लगे तो इन्होंने भी वहां पर कुछ ना कुछ पेंटिंग करना चालू कर दिया। अब उसी को इतिहासकारों ने चित्रकारी कह दी, जैसे कि यहां देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं हम, रुकिए, ये देखिए दीवार पर ऐसे चित्र बन लगे। अभी बताइए कौन सा मुर्गा है भाई कि तीन ठो पंख है इसका, बच्चे या बड़े कि हमें शिकार कैसे करना है, या जो करते थे दिनचर्या, आज तो भाई आप फेसबुक व्हाट्सएप मूवी समथिंग समथिंग आप कर लेते हैं, उस समय लोग बेचारे चित्रकारी से ही मन बहला लेते थे। बचपन में हम लोग भी बिल्ली बना देते थे, उसके बाद ऐसे वो ये अंग्रेजी का या उर्दू का 70 चूहा, ये कौन सा चूहा है, दीवार में बनाते थे। तो वैसे यहां के लोग जब गुफाओं में रहने लगे तो उन्होंने भी इस तरह के चित्र बनाना चालू किए, और वही जब खोजा गया तो देखा गया कि भीमबेटका की गुफा में चित्र पाया गया, तो यह कहा गया कि यहां की सबसे पुराना चित्र बनाने की जो कला का विकास हुआ भारत में वो कब हुआ, पुरापाषाण काल में हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आदमगढ़ से शिल्प उपकरण प्राप्त हुए,
लोहदा नाला से यहां देखिए विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मात देवी की प्रतिमा मिली है। पल्लवरम से सर्वप्रथम हैंड एक्स मिला है, अभी बताया मैंने रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ठीक है उस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके साथ साथ ये है अतिरपक्कम है मद्रास, हैंड एक्स क्लीबर व फलक मिला है, ठीक है गुड़ियाम है फलक व क्लीबर उपकरण मिला है, नेवासा व चिरकी है, ठीक है नेवासा चिरकी के सामने एक लाइन लिखा होगा, ठीक है क्या लिखा है कि यहां से मध्यपुरा पाषाणिक युगीन उच्च कोटि के उपकरण पाए गए। ऐसा क्यों लिखा है पता है, यहां से दो चीज पाई गई थी खुरचुनी, खुरचुनी और बेधक। खुरचुनी समझे, खुरचुनी खुरचुनी खुरपी खुरपी, ठीक है जिसे घास छिलते हैं। अब भाई मान लीजिए ये बड़े बड़े जानवरों की हत्या करेंगे तो उसकी खाल को कैसे उखाड़ेंगे, तो उसके लिए कुछ ऐसे औजार हैं जी खुरचुनी टाइप के जिससे हम उसके खाल को उतार सकें। तो खुरचुनी और बेधक जो हैं वो दोनों कहां से पाए गए हैं, नेवासा से पाए गए हैं, ठीक। इसके साथ साथ एक चीज और था, इसको पहले ले लीजिए बता देते हैं। चलिए इसके साथ साथ क्या था कि यहां लोहदा नाला से यहां से पशुओं के अवशेष पाए गए हैं, पशुओं के अवशेष पाए गए हैं, पशुओं के अवशेष पाए गए हैं, कहने का मतलब कि अब धीरे धीरे लोग एक पशु वगैरह पालने लगे थे, लेकिन भाई शुरुआत तो मध्य पाषाण काल से मानी गई, लेकिन शुरुआत जो थी थोड़ी बहुत लोहदा नाला से देखने को मिली कि धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, पशु को पालने लगे, तो यहां से पशुओं के भी अवशेष पाए गए हैं, ठीक। एक चीज और देखिए आपको अब पूरे पूरे की पूरी आज क्लास आपकी क्लियर हो जाएगी सब चीज। ये देखिए इस तरह के जानवर होते थे महमूत शेर, ये देखिए हस्त कुठार खुरचुनी मछली, मछली में देखिए भाले से मारे हैं ये। हम क्यों एक चीज नहीं बताया आपको, इसीलिए यहां पर एक चित्र और आपको दिख रहा होगा आग। आग का जो आविष्कार हुआ वो पूरा पाषाण काल में हुआ, लेकिन आग जो प्रचलन में आया वो नौ पाषाण काल में आया। आविष्कार और प्रचलन में डिफरेंस समझ लीजिए। मान लीजिए ये मार्कर है, हम इससे बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये खोजा गया रख दिया गया, ये आविष्कार हो गया, लेकिन जब हम इसको पता है कि इसका प्रयोग किया तो प्रश्न से माचिस का डिब्बा वो आग है, लेकिन उसको जब तक जलाएंगे नहीं, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे, गैस नहीं जलाएंगे, उसके बाद अपने अपने हिसाब से जो आप जलाते हो नहीं जलाएंगे, तब तक हमें प्रयोग कैसे पता चलेगा। तो कहने का मतलब कि आग का जो आविष्कार हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, तो जो आग का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, कब हुआ पूरा पाषाण काल में, परंतु परंतु ये लोग आग के प्रयोग से, आग के प्रयोग से परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे, ये परिचय होंगे नवपाषाण काल में, ठीक लिख लीजिए। अब इस इमेज से सब देखिए कैसे शिकार उकार करते थे पत्थर उत्थर के औजार से, देख क्या होगा। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं फिर इसके आगे आपसे मिलूंगा मध्य पाषाण से और नौ पाषाण से। तब तक के लिए सेहत का ध्यान रखिएगा, क्लास को रिवाइज करते रहिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं पहले अपने मेंटल लेवल को चेंज करिएगा, इसे टेस्टी पीस्टी से मत कंपेयर करिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, सेहत का ध्यान रखिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।